नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। शीतला सप्तमी 2022 में व्रत कब है, इसकी मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है, इस व्रत का महत्व क्या है, आज की इस वीडियो में सारी जानकारी आपको हम देने वाले हैं। तो इससे पहले, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक भी आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हिंदू धर्म में केवल शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी के दिन ऐसे हैं जिस दिन बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। इस दिन महिलाएं शीतला माता की विधि विधान से पूजा करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शीतला माता की कृपा से धन धान्य में बढ़ोतरी होती है, वह बीमारियों से मुक्ति मिलती है। इस दिन घर में ताजा भोजन नहीं बनाया जाता है। तो शीतला सप्तमी 2022 में 24 मार्च गुरुवार को है और इसके पूजन के मुहूर्त की बात करें तो सुबह 6:21 से शुरू होकर शाम 6:34 तक रहेगा। पूजन की कुल अवधि 12:14 की है। शुभ मुहूर्त आपका 24 मार्च से सप्तमी तिथि जो है वो प्रारंभ हो रही है दिन के 2:16 पर, और सप्तमी तिथि जो खत्म हो रही है वो रही है 25 मार्च को 12:09 पर। तो शीतला सप्तमी के दिन क्या करना चाहिए? शीतला सप्तमी के दिन घरों में कई तरीके के पकवान बनाए जाते हैं, जिसमें कि हलवा, पूरी, दही बड़ा, पकौड़ी, पुए, रबड़ी, ये सब बनाया जाता है। अगले दिन सुबह महिलाएं इन चीजों का भोग शीतला माता को लगाकर परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती हैं। इस दिन शीतला माता समेत घर के सदस्य भी बासी भोजन ग्रहण करते हैं और इसी वजह से इसे बासोड़ा पर्व भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन के बाद से बासी खाना खाना उचित नहीं होता है। यह सर्दियों का मौसम खत्म होने का संकेत होता है और इसे इस मौसम का अंतिम दिन माना जाता है। इस पूजा को करने से शीतला माता प्रसन्न होती हैं और उनके आशीर्वाद से दहा जवर, पीत जवर, विस्फोटक, दुर्गंध युक्त फोड़े, यानी कि आपको शरीर पर कोई भी दाद, खुजली, फुंसी, तो शीतला की फुंसियां, शीतला जनित दोष और नेत्रों के समस्त रोग दूर हो जाते हैं। इस दिन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? शीतला अष्टमी के दिन गर्म चीजें नहीं खानी चाहिए। इसके साथ ही घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता है। एक दिन पहले ही रात में सारा भोजन, हलवा, गुलगुले, रेवड़ी आदि तैयार करके रख लिया जाता है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार इस दिन गर्म पानी से नहाने की भी मनाही होती है। इस दिन शीतल जल से नहाने की परंपरा होती है। तो बात करते हैं शीतला सप्तमी व्रत की विधि की। तो व्रती यानी कि व्रत करने वाली महिलाओं को इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करना चाहिए। इसके बाद व्रत का संकल्प लें, फिर विधि विधान से शीतला माता की पूजा करें। इसके बाद एक दिन पहले बनाए हुए बासी खाद्य पदार्थों, मेवे, मिठाई, पुआ, पूरी, दाल भात आदि का भोग लगाएं। शीतला स्त्रोत का पाठ करें, शीतला माता की कथा सुनें व जगराता करें। इस दिन व्रत करने वाले तथा उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य को भी गर्म भोजन नहीं करना चाहिए। तो ये थी दोस्तों आप लोगों के लिए शीतला सप्तमी व्रत के बारे में सारपूर्ण जानकारी। इसी तरीके से हर तीज त्यौहार पर्व के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।